हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार अभियान का दौर जारी है। मैम सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रही राधा अहलावत का इलेक्शन कैंपेन अपने शबाब पर है। राधा जिस गांव में पहुंच रही हैं, वहां उनके स्वागत में लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। वीरवार को उन्होंने समर गोपाल कलां, सिंहपुर कलां, निडना, अजयबाग, गिरावड़ गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों की ओर से मिल रहे इस अपार समर्थन से गदगद राधा का कहना है कि महम की जनता ने इस बार अपने घर के शख्स को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। वो इस बार किसी बाहरी प्रत्याशी को मौका नहीं देने वाली। आज तो मैं चाय पानी के लिए आई थी और मैं जिस गांव में जाती तो हूँ चाय के प्रोग्राम के लिए, लेकिन कहीं तो ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगा के जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं देखो जन समर्थन करने के साथ साथ पंचायतों के अंदर एक जनसभा होने लगी। तो मेरे को लगता है इस बार लोगों ने एक मन बनाया है कि पुराने सिस्टम से हम बाहर निकलना चाहते हैं, बाहरी आदमी को हम बाहर भेजना चाहते हैं और हमारे अंदर का ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बीच में रह के हमारे काम करवाए, हमारी सेवा करे और हमारी कोई सुनवाई करने वाला होना चाहिए। तो मैं सभी बिरादरी छत्तीस बिरादरी का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। नहीं, मैं सुनने में आ रहा है क्योंकि आपस में वर्कर तो एक दूसरे के पास बैठते ही है या जो सिस्टम है पता चल जाता है, तो जिस व्यक्ति से पूछते हैं सब यही करे। तो मेरे को तो खुशी इस बात की है कि मेरी जनता जितनी मेहनत कर रही है वो हर जगह कायम है। वो एक ही बार हुई, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक बार हो चुकी है। लेकिन अब आने वाले समय आगे आज नहीं आने वाले सदियों तक बाहर का कैंडिडेट ये मंजूर करेंगे नहीं मेरी मैम की जनता। विजन क्या लेके चल रहा है, क्या काम है? भाई विजन तो मैंने बता दिया ना कि आज से पहले 15 साल से हम एक विजन लेके चले हुए हैं। इस महम को हम बहुत बड़ा सुंदर शहर बनाना चाहते हैं जिसमें चाहे इंडस्ट्री हो, युवाओं के बारे में हो, किसानों के लिए हो, पानी की सुविधा हो, जो एक अच्छे शहर के अंदर होती है वो हम ऐसा ढांचा बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम कार्यरत हैं और हम लोग जो है पहले से ही प्रयासरत है इसके लिए। हाँ भाई, युवा जो पढ़ लिख जाता है उसको नौकरी अपनी योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए और वो मिलेगी। इसके अलावा बहुत से युवा ऐसे रह जाते हैं, 100% नौकरी तो किसी को नहीं मिलती, उसी के लिए तो इंडस्ट्रियल जोन लेके आ रहे हैं ताकि हमारे महम के युवा महम के अंदर उन कंपनियों में जॉब कर सके जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपने घोषणा पत्र की बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी बात की और उन्होंने कहा कि मैं 33 करके लेके आई। भाई ठीक है, मैं तो एक पंचायती प्रत्याशी हूँ, मैंने कोई मैनिफेस्टो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं लगातार 15 साल से मैनिफेस्टो से भी ज्यादा काम कर रही हूँ। अगर मैं ये कह रही हूँ भाई 20 अगर बीजेपी ने बनाया है, 7-8 अगर कांग्रेस ने बनाया है, दोनों को मिला के अगर 27-28 है तो मैं उनसे सवाया कहने के मतलब 31 कर दूंगी। इस बार जिस तरह से जनता आपको प्यार दे रही है, आपकी बात बिल्कुल, आप ये जनता से पूछिए, जनता की मेहनत, जनता का प्यार, जनता का सहयोग और लड़ भी जनता रही है और विजय भी जनता ही होगी। देखो पिछले 35 साल से आनंद सिंह डांगी जी जो यहाँ पे राज किया, विधायक, चेयरमैन, अलग अलग पदों पे, फिर उन्होंने अपने बेटे को ले आए तो लोगों के मन में एक खटास हुई कि क्या एक ही परिवार चलता रहेगा क्या, उनसे तो ये नाराजगी। फिर उनके कार्यकाल का जो समय था जो अनदेखी मेरे गरीब परिवारों की हुई, गरीब परिवारों को क्या चाहिए, छोटी छोटी नौकरी थी वो भी उन्होंने योग्यता के अनुसार नहीं अपने चहते लोगों को दे दी। साथ में अगर निर्दलीय की बात करें तो बाहर से आके निर्दलीय जो बना, एक छोटे छोटे ड्रामे करके जो बना, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, अगर किसी गांव में 500 घर हैं उसमें से अगर 50 लड़कियां स्कूल की बसों में जाती है तो 450 घरों के लोगों का विकास कैसे होगा। इसलिए निर्दलीय विधायक को मैं यही कह रही हूँ, निर्दलीय विधायक से मेरे जनता जो है वो दूर हो चुकी है, इसी बात में कह रही हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़। बता दें कि 2019 में बलराज कुंडू बतौर निर्दलीय प्रत्याशी महम से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो अपनी पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी के बैनर तले मैदान में हैं। वहीं उनको टक्कर देने के लिए राधा अहलावत तो बतौर निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को जोरदार टक्कर दे रही हैं। महम से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।